हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 15 के। अगर आपका बजट है 15K के अंदर में और इसी प्राइस पॉइंट में चाहिए एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन, तो यार वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। इनमें से कुछ ऐसा डिवाइस है जिसमें आप 60 FPS में भी पबजी से गेम को खेल सकते हैं, तो यार बहुत अच्छा अच्छा स्मार्टफोन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक पबजी गेम प्ले वीडियो दिखाना चाहता हूँ, और ये जो गेम प्ले वीडियो है मैंने कोई फ्लैगशिप स्मार्टफोन में नहीं खेला हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो भी स्मार्टफोन बताने वाला हूँ उन्हीं में से एक स्मार्टफोन है, और यहाँ पर जैरो को मैंने अच्छी तरह से ध्यान दे के बनाया है, यानी कि जितना भी स्मार्टफोन मैं आपको बताऊँगा जैरो बहुत अच्छा से वर्क करता है। तो यार वीडियो को देखते रहिए एंड तक। तो सबसे पहले ये पबजी गेम प्ले वीडियो को एंजॉय करो। तो ये पबजी गेम प्ले वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। लेट्स चेक आउट बेस्ट पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 15 की। तो गाइस, हमारी लिस्ट में सबसे पहला जो स्मार्टफोन है वह है वीवो G1 Pro। ये स्मार्टफोन थोड़ा सा ओल्ड जरूर हो चुका है, बट अभी भी प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। और ये स्मार्टफोन आता है क्वालकॉम का SD712 का ऑक्टाकोर का प्रोसेसर के साथ, जो कि 2.3 GHz पे क्लॉक है एंड 5000 mAh की बिग बैटरी है, जिसमें 18W की डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दे रखा है। कमाल की बात है। बाकी आपको 6.53 inch का फुल HD+ IPS पैनल डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है एंड 4GB का रैम है, 64GB का स्टोरेज है, अलग से 256GB SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन होगा। यहाँ पर कैमरा भी काफ़ी बेटर दे रखा है, रियर कैमरा और सेल्फी कैमरा, इट्स रियली गुड। तो मैं कहूँगा गाइस ये स्मार्टफोन वीवो G1 Pro आपके लिए काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन होगा। फोर प्लस 64GB स्टोरेज के साथ जो प्राइस है वह है 14,999। प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, थोड़ा सा ओल्ड जरूर हो चुका है बट बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। रियर कैमरा, सेल्फी कैमरा, बैटरी बैकअप, प्रोसेसर, डिस्प्ले, सारा चीज़ काफ़ी बेस्ट है। तो मैं कहूँगा ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन होगा, बट अभी आप इस फोन को परचेज ना करें। और भी आपको लेटेस्ट अच्छा अच्छा स्मार्टफोन बताने वाला हूँ, तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। अब जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है वह है Poco M2 Pro। Poco M2 Pro या तो Redmi Note 9 Pro, दोनों का ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशन सेम ही है। Poco M2 Pro मुझे बहुत ही बेस्ट लगता है क्योंकि ये स्मार्टफोन 15K के अंदर में आता है, और इसमें दे रखा है क्वालकॉम का SD720G का प्रोसेसर, जो कि अच्छा खासा प्रोसेसर है एंड 2.3 GHz पे क्लॉक है। 5000 mAh की बिग बैटरी है, जिसमें 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दे रखा है एंड 6.67 inch फुल HD+ IPS पैनल डिस्प्ले है। बाकी 4GB का रैम है, 64GB का स्टोरेज है, अलग से 512GB SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और कैमरा भी काफ़ी बेस्ट है, 48MP A1 क्वाड्रेंट कैमरा का सेटअप है एंड सेल्फी शूटर भी अच्छा खासा है। तो मैं कहूँगा ये स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन होगा। इसमें जो प्रोसेसर दे रखा है अच्छा खासा प्रोसेसर यूज़ किया गया है, लेटेस्ट चिपसेट है, किसी भी गेम को बहुत ही हाई ग्राफिक्स में खेल सकते हैं। पबजी से गेम को बहुत ही हाई ग्राफिक्स में खेल सकते हैं, लाइक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। और यहाँ पर आपको बिग बैटरी भी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि गेम प्ले को और भी ज़्यादा लंबे समय तक खेल सकते हैं। एंड डिस्प्ले भी काफ़ी बेस्ट है, 4+64GB स्टोरेज के साथ जो प्राइस है वह है 13,999। तो मैं कहूँगा Poco M2 Pro आपके लिए काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन होगा। हाल ही फिलहाल में इंडिया में लॉन्च हुआ है, लेटेस्ट चिपसेट यूज़ किया गया एंड लेटेस्ट स्मार्टफोन है, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। पीछे का डिज़ाइन देखते तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो मेरे ख्याल से गाइस Poco M2 Pro इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग अच्छा स्मार्टफोन है। बाकी ये स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा और वहाँ पर जाके आसानी से कंसीडर कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है वह है Realme 7 एंड Realme Narzo 20 Pro। दोनों स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन है और दोनों में एक ही प्रोसेसर यूज किया गया है, MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर, जो कि 2.05 GHz पे क्लॉक है
है। हाल ही फिलहाल में दोनों प्रोसेसर लॉन्च हुआ है इंडिया में और बहुत ही अच्छा खासा प्रोसेसर है। एंड रियलमी 7 में 5 mAh की बिग बैटरी जिसमें 30W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दे रखा है और रियलमी नार्जो 20 प्रो में 45 mAh की बिग बैटरी जिसमें 65W की सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दे रखा है जो कि 0 से 35 मिनट में 100% मोबाइल को चार्ज कर देता है। बाकी दोनों स्मार्टफोन में 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS पैनल डिस्प्ले दे रखा है और डिस्प्ले के अंदर 90Hz की अल्ट्रा स्मार्ट डिस्प्ले है। बाकी 6GB का रैम है दोनों स्मार्टफोन में, 64GB का स्टोरेज है, अलग से 256GB SD कार्ड यूज कर सकते हैं और दोनों का कैमरा ऑलमोस्ट आपको सेमी देखने के लिए मिलता है। रियलमी 7 में 64MP A1 क्वाड रियर कैमरा का सेटअप है और रियलमी नार्जो 20 प्रो में 48MP A1 क्वाड रियर कैमरा का सेटअप है। दोनों का प्राइस आपको सेमी देखने के लिए मिलता है, आप प्राइस चेकआउट कर लीजिएगा फ्लिपकार्ट पे जाके, कभी लो और कभी ज़्यादा होते रहता है। दोनों स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, प्रोसेसर के मामले में अच्छा खासा प्रोसेसर यूज किया गया है, हाल ही फिलहाल में इंडिया में लॉन्च हुआ है। दोनों का मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ पबजी गेम प्ले कैसा चलता है। मैं कहूँगा दोनों स्मार्टफोन आपके लिए काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन होगा, जैरो भी अच्छा से वर्क करता है, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। दोनों स्मार्टफोन लेटेस्ट है, हाल ही फिलहाल में इंडिया में लॉन्च हुआ है। नीचे कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा अगर आपको दोनों में किसी एक को परचेज़ करना है तो आप कौन सा डिवाइस को परचेज करेंगे, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है वह है रियलमी 6। अब पीछे मत चले जाना, बहुत लोगों को कमेंट आएगा भाई रियलमी 7 लॉन्च हो चुका है तो रियलमी 6 को क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत ही रीज़न है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें जो चिपसेट यूज किया गया है रियलमी 7 से अच्छा चिपसेट है। इसमें है मीडियाटेक हेलियो G90 प्रोसेसर, एक अच्छा खासा प्रोसेसर यूज किया गया जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस है एंड वही डिस्प्ले है 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS पैनल डिस्प्ले और डिस्प्ले के अंदर 90Hz की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी दे रखा है। बाकी बिग बैटरी है 43mAh की बिग बैटरी जिसमें 30W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है एंड 6GB का रैम है, 64GB का स्टोरेज है, अलग से 256GB SD कार्ड यूज कर सकते हैं। बाकी रियर कैमरा सेल्फी कैमरा ओके है। ये जो प्रोसेसर है हाल ही फिलहाल में इंडिया में लॉन्च हुआ है, 6GB 64GB स्टोरेज के साथ जो प्राइस है वो है 13,999। अभी जो लेटेस्ट प्राइस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है और ये जो चिपसेट है बहुत ही हाई चिपसेट है। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में पबजी गेम प्ले वीडियो दिखाया इसी स्मार्टफोन में मैंने खेला हूँ। यही नहीं, रियलमी 6 में आप 60fps ग्राफिक्स में पबजी से गेम को खेल सकते हैं। बाकी आपको बिग बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, बहुत ही बिग बैटरी है एंड 90Hz का जो अल्ट्रा स्मार्ट डिस्प्ले दे रखा है गेमिंग को और भी ज़्यादा स्मार्ट कर देता है। बाकी आपको 6GB का रैम मिल जाता है, 64GB का स्टोरेज, सारा चीज़ बेस्ट है। तो मैं कहूँगा 15 दिन के अंदर में रियलमी 6 आपके लिए काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन होगा। रियलमी 7 भी अच्छा खासा स्मार्टफोन है, उसमें भी अच्छा खासा प्रोसेसर यूज किया गया है, बट अगर प्रोसेसर के मामले में कंपेयर करूँ तो रियलमी 6 में ज़्यादा बेस्ट दे रखा है रियलमी 7 से अगर कंपेयर करता हूँ। दोनों स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट हैं। यहाँ पर मुझे दो स्मार्टफोन सबसे बेस्ट लगा, पहला पोको M2 प्रो और दूसरा रियलमी 6। सारा स्मार्टफोन बेस्ट है प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं इनमें से सबसे बेस्ट डिवाइस आपको कौन सा अच्छा लगा। मैं रिकमेंड करूँगा दो ही स्मार्टफोन को, पहला है रियलमी 6 और दूसरा पोको M2 प्रो। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, बट नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा इनमें से सबसे बेस्ट डिवाइस आपको कौन सा लगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो यार लाइक करो एंड टाटा बाय बाय।